तो मैं आपको कुछ इस तरीके का जो लोगो है ये आपको बना के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन कर देना है अपना पिक्सल एप्लीकेशन को। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले तो एक ऐसा बैकग्राउंड ले लेना है, यहाँ पे आना है डॉट पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से इमेज साइज में आना है। यहाँ पे आने के बाद कस्टम पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से आ जाना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थर्ड वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन है, इसको सेव पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो सर्कल है इसको ले लेंगे। लेने के बाद इसको अपने हिसाब से इसको बड़ा कर देंगे। ऐसे बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पे आना है ग्रेडियंट कलर। देखिए यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, ग्रेडियंट में आएंगे और यहाँ से कलर चूज कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद इसको ओके कर देंगे। उसके बाद आपको जितना रखना होगा कुछ इस तरीके से आपको इसको बीच में रख देना है। ऐसे करके रखने के बाद इसको सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके इसको सबसे पहले लॉक कर देना है। ये लॉक हो गया। इसके बाद ये हिलेगा डुलेगा नहीं, ये हो गया फिक्स। उसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, इसको साइड में कुछ है रिंग टाइप का लगा देना है। तो उसके बाद हम फिर से यहाँ पे शेप वाले में आएंगे। शेप में आने के बाद यहाँ से फिर से लेंगे हम सर्कल को। सर्कल को लेने के बाद इसके भी साइज को बड़ा कर देंगे, कुछ ऐसे बड़ा कर देंगे, ऐसे बड़ा हो जाएगा ये भी। और इसको अच्छे अपने हिसाब से कुछ इतना पे रख लेंगे। रखने के बाद इसके फिर से कलर में यहाँ पे आएंगे, इसका ग्रेडियंट पे आएंगे। इस पर आने के बाद यहाँ से इसको कलर चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ओके होने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होगा स्ट्रोक का, तो इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके स्ट्रोक को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद देखिए इसके साइड में वाइट वाइट लाइन आ गया। तो अब हम इसको वाइट नहीं, इसको हम पीला करेंगे। तो उसके लिए यहाँ से पीला कलर चूज करेंगे और इसका जो है कि विड्थ को थोड़ा बढ़ा देंगे। तो ये देखिए ऐसे बढ़ जाएगा। इसको इतना पे हम कर देंगे। इतना हो जाने के बाद ये भी अच्छा लग रहा है इतना पे, तो इसको इतना ही छोड़ देंगे। उसके बाद इसको डन कर देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे आएंगे और इसको भी यहाँ से लॉक कर देंगे। उसके बाद अगला काम इसमें क्या, तो इसमें लगाना है हमें एक इमेज। तो उसके लिए हम पे इम्पोर्ट पे आएंगे। इम्पोर्ट में आने के बाद यहाँ से हमने कुछ इमेज डाउनलोड करके रखे हुए हैं। अगर आपको भी इमेज चाहिए तो आपको भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम के चैनल पे। और टेलीग्राम में आप कैसे जा पाएंगे, तो उसके लिए हम मैंने अपना टेलीग्राम का जो लिंक है इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप वहाँ से उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको इमेज को ले लेते हैं। लेने के बाद इसको थोड़ा हम क्रॉप करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐसे इसको छोटा करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया कुछ इस तरीके से। हाँ तो ये हमारा हो गया फिट। इसके बाद हमको इसमें लगाना है अपने चैनल का नेम। तो आपके जो भी चैनल का नाम होगा आपको उसको लिखना होगा। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ चैनल का नेम, यहाँ पे लिख देता हूँ जोजो टीवी। तो आपका जो भी चैनल का नेम होगा आपको उसको लिखना होगा। तो हम ऐसे लिख लेते हैं जोजो। लिखने के बाद ऐसे ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे आएंगे साइज, देखिए यहाँ पे साइज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। साइज को ऐसे बड़ा करेंगे, बड़ा करके इसको यहाँ पे लाएंगे। लाने के बाद हम फिर से आएंगे यहाँ पे फॉन्ट में, देखिए फॉन्ट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए पिक्सल लैब में पहले से कुछ फॉन्ट्स दिए होते हैं, तो इन फॉन्ट्स का यूज आपको नहीं करना है। आपको आना है माई फॉन्ट्स में। तो आपको अपने पिक्सल एप्लीकेशन में कुछ फॉन्ट्स को ऐड करना होगा। तो ये फॉन्ट्स कहाँ मिलेंगे, तो भी आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम यहाँ से इस फॉन्ट्स को यूज करेंगे इसमें, जो कि कॉमेडी टाइप है, इसको ले लिए। लेने के बाद ओके करेंगे। देखिए फॉन्ट्स जो कि चेंज हो गया। उसके बाद हम इस फॉन्ट को थोड़ा रोटेट करेंगे। रोटेट करने से पहले हम इसका जो कलर है इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से आएंगे कलर में आकर इसके जो कलर, इसको हम पीला कर देंगे। ऐसे पीला करने के बाद इसके साइज को थोड़ा और बड़ा कर देंगे। ऐसे बड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, इसको थोड़ा हम अलग अलग कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे स्पेस में आएंगे, इसके जो इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा देंगे, तो जो है कि साइज का बड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा दूर दूर हो जाएगा। ऐसे हो गया। उसके बाद यहाँ से हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद यहाँ पे हम ऐसे इसको लगा देंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें हम इसको थोड़ा शैडो ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे शैडो में आएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे शैडो का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे, इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद हम इसको जो ब्लर रेडियस इसको बढ़ा देंगे ऐसे। उसके बाद जो नीचे वाला है इसको भी हम ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद इसका जो ब्लर है इसको थोड़ा कम कर देंगे ऐसे। ये हो गया हमारा, इतना ऐसे करना है आपको। उसके बाद आप चाहे तो इसका जो स्ट्रोक है इसको भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन हमको तो अच्छा नहीं लगा।
उसके बाद आपको और भी कुछ ऐड करना होगा तो उसको ऐड कर दीजिएगा। तो इसमें अभी हमको ऐड करना है टीवी। इसको फिर से टेक्स्ट में आएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे टीवी। ऐसे लिखने के बाद इसको डन करेंगे। फिर से साइज में आएंगे, साइज में आके इसके साइज को ऐसे बड़ा करेंगे, ओके करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे। फिर इसके कलर में आएंगे और फिर से यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे, उसके कलर को हम वाइट कर देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे फॉन्ट में आएंगे। फॉन्ट में आने के बाद यहाँ पे माई फॉन्ट्स पे आएंगे। आने के बाद यहाँ पे एक फॉन्ट है खांड बोल्ड, उसके बाद इसे ओके कर देंगे। ये हमारा फॉन्ट बनकर रेडी हो गया। इसके बाद इसको भी थोड़ा रोटेट कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे रोटेट में। यहाँ पे देखिए रोटेट का एक ऑप्शन दिया होगा, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, यहाँ पे देखिए रोटेट। इसको क्लिक करेंगे, इसको जितना चाहें उतना प्लस माइनस करके इसको रोटेट कर सकते हैं, 2-2-4। तो ये इतना काफ़ी है, इतना पैसे सेट कर देंगे इसको। उसके बाद फिर से यहाँ पे आएंगे स्पेस वाले में, इस पर क्लिक करेंगे और इसके स्पेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट, ऐसे करके ये हो गया हमारा रेडी। उसके बाद यहाँ पे लॉक पे आएंगे, इस तरह से लॉक कर देंगे सबको ऐसे। उसके बाद चाहे तो इसमें भी कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ एक लिखना होगा तो और भी लिख के ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमको नहीं चाहिए। इतना में ही लोगो जगह काफ़ी सुंदर बन के रेडी हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें बना सकते हैं। अगर इसमें और भी फोटो को ऐड करना होगा तो उसके लिए फिर से यहाँ पे छड़ वाले पे आएंगे, इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, कौन सा लो, इसको ले लेते हैं। लेने के बाद इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें पीछे बैकग्राउंड है तो इसको इरेज करने के लिए यहाँ पे आएंगे इरेज कलर में, इसको ऑन करेंगे तो ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से आ गया एक और इमेज, इसको सब छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद इसको ऐसे इस पर बिठा देना है, यहाँ पे इसको बैठा देना है ऐसे, लगे कि हाँ ये इसके ऊपर बैठा हुआ है। ऐसे बैठाने के बाद इसके शैडो को ऑन कर देना है, शैडो को ऑन करके इसको पूरा कर देना है ताकि लगे कि हाँ भैया उस पर बैठा हुआ है। इतना हो गया तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और देखने में। इस तरीके से आप भी अपने लोगों को बना सकते हैं अपने फ़ोन से ही, जैसे मैंने बताया है। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आप भी बना पाएंगे एकदम अच्छा सा लोगो अपने चैनल के लिए। उसके बाद इसको सेव करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एज़ इमेज पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना है। उसके बाद इसको यहाँ से अल्ट्रा कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। बस आपका जो लोगो है सेव हो जाएगा आपके फ़ोन में। उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं अपने चैनल के लोगों के लिए।